अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। आज हमने क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 113 का क्वेश्चन नंबर 4 और पेज नंबर 114 का क्वेश्चन नंबर 5 करना है। पहले 4 का 1 पार्ट करवा देती हूँ। इन्होंने इसमें कहा है कि आपने लॉस भी फाइंड करना है और लॉस परसेंट भी करना है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस आपके पास 2500 है, सेल प्राइस आपके पास 2000 है, ठीक है। आपने क्या करना है, लॉस फाइंड करना है। इसमें आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो आपने कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। 2500 में से हमने 2000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 500 हमारे पास हमें लॉस हुआ है। अब हमने क्या करना है, लॉस परसेंट फाइंड करना है, ठीक है। लॉस परसेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। कितने रुपीज़ का लॉस हुआ है, 500 का। कॉस्ट प्राइस 2500 है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, ठीक है। ये दो ज़ीरो के साथ कट के 100, दोनों के ऊपर नीचे कटिंग करेंगे 5 के टेबल से। 500 ज़ा 500 एंड 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10 एंड 0। तो कितना लॉस हुआ है, 20% आपको लॉस हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 114 का क्वेश्चन नंबर 1 भी करना है आपने। इसमें आपने प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना है, क्या हो रहा है। अब सेल कॉस्ट प्राइस 500 है और सेल प्राइस आपको 855 दी हुई है, ये क्या है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। इसमें आपने प्रॉफिट सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। नेक्स्ट है 1764 की चीज़ खरीदी है और 2456 में बेच दी है, तो ये क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट में 2730 की खरीदी है और 2584 की बेच दी है, तो इसमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब आपने ये कॉपी पे अपने सवाल कर लेने। थैंक यू।